हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। पिछले दो वीडियो लेक्चर की तरह हम लोग इस वीडियो लेक्चर में भी क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं एक दिया गया फंक्शन को एक सर्टेन लिमिट के अंतर्गत। मतलब हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का और हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो रिजल्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको बिना हम लोग यूज किए किसी दी गई फंक्शन को एक इंटरवल के अंतर्गत हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और उसके लिए हम लोग डिफिनीशन यूज करेंगे, डिफिनीशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन होने वाला है आपके लिए, आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन के तौर पे हम जो लिए हैं इस टाइप से है, हमारे पास देखिए फंक्शन है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेट करना है a टू b। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एफ एक्स के जगह पे k है। ठीक, तो इंटीग्रेट करें a टू b एफ एक्स dx इक्वल टू लिमिट एस टेन टू जीरो, यहां एच रहेगा। ये मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, डिफिनीशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। एफ ऑफ ए रहेगा प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच रहेगा, इसी टाइप से एफ ऑफ ए प्लस टू एच रहेगा, इसी टाइप से एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच रहेगा और ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा और सबसे लास्ट में रहेगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच करली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इंटरवल है, इंटरवल कुछ इस टाइप से है। ये कोई इंटरवल है, यहां पे ए है और यहां पे आपका बी है। इस इंटरवल को एन पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट इक्वल है और हर एक का जो लेंथ है एच है। ये है आपका ये ए प्लस एच है, ये आपका ए प्लस टू एच है, ये है आपका ए प्लस थ्री एच, ये है आपका a प्लस फोर एच। एच एच जुड़ता जा रहा है, a पे एच जुटा, a प्लस एच इसमें, a प्लस एच में जुटा, a प्लस टू एच, ऐसे करके है। और हमारे पास अगर इसे हम x एक्सिस मान लेते हैं, x की वैल्यू ये सर, और इधर आपका अगर y एक्सिस है, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ खींचते हैं तो चाहे के पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका जो ग्राफ होगा एक ऐसी लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास के की जो वैल्यू है कांस्टेंट भी है और जीरो से ग्रेटर है, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ है या वाई इक्वल टू के का ग्राफ है। तो अगर आप एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा, ए प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू तो ये लाइन मिलेगी, ए प्लस टू एच के लिए ये मिलेगी। उसी टाइप से अगर आप एक्स की वैल्यू ए प्लस थ्री एच लेते हैं तो वाई जो आप है आपको ये मिलेगा, ये जो डॉटेड देख रहे हैं आप, ए प्लस फोर एच लेते हैं एक्स की वैल्यू तो वाई ये मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे x की वैल्यू a ले, a प्लस एच ले, चाहे a प्लस टू एच ले, चाहे a प्लस थ्री एच ले, चाहे a प्लस फोर एच ले, या तो फिर आपका जो लास्ट है x की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन एच ले, तो उसकी भी जो वैल्यू आएगी उसके लिए भी y की जो वैल्यू आएगी k आएगी। मतलब ये सभी के सभी वैल्यू k है, ये सभी वैल्यू क्या है तो k है। तुम ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि एफ ऑफ ए के होगा,
एफ ऑफ ए प्लस एच भी के होगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच भी के होगा, ए प्लस थ्री एच भी के होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच भी के होगा। और ये जो है के कितना बार होगा, एन टाइम्स होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच हमने लिखा है यहां, और ये है आपका के प्लस के प्लस के, ऐसे ही के, ये जो आप प्लस कर रहे हैं कितना टाइम्स प्लस कर रहे हैं के, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि हम लोग के को एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को एन टाइम्स अगर आप ऐड करेंगे तो उस नंबर में एन से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एच है यहां, एन के हमने इसके लिए लिखा है, ये एच यहां पे है, और मैं लिमिट लेता हूं एच अपोजिट टू जीरो। और बच्चों यहां पे हम लोग ए और बी, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग एन पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरी लेंथ को, मतलब बी माइनस ए जो होगा एन एच होगा, ठीक। तो यहां पे हम लोग लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो इसे लिख सकते हैं के इंटू एन एच, और एच अप्रोचेस टू जीरो एन एच की जगह पे हम बी माइनस ए लिखेंगे, चूंकि यहां पे के इंटू बी माइनस ए है और इसका लिमिट हम एच अप्रोचेस टू जीरो ले रहे हैं, तो इस पे इस लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, लिमिटिंग जो वैल्यू होगी वह k इंटू बी माइनस ए ही होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, कि a टू b अगर k है यहां पे, तो इस डिफिनिट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी k टाइम्स बी माइनस ए होगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग बिना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज किए इस फंक्शन को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है, और आप अधिक से अधिक इस वीडियो लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो लेक्चर।